चाणक्य टॉपिक ऑफ द डे में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू इन दिनों चर्चा में है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हिमाचल प्रदेश में जंगली हंस, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कौवे और केरल में बतखों के बीच बर्ड फ्लू की सूचना मिली है। वहीं हरियाणा में पिछले कुछ दिनों में लगभग 1,00,000 पोल्ट्री पक्षियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश की पोंग डैम झील में लगभग 1,800 प्रवासी पक्षी मृत पाए गए हैं। केरल में 2 जिलों में बर्ड फ्लू का पता चला है, जिस कारण अधिकारियों को बतखों को पकड़ने का आदेश भी दिया गया है। राजस्थान में बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी किया गया है, जहां आधा दर्जन जिलों में 250 से अधिक कौवे मृत पाए गए हैं। अब हम ये जानेंगे कि बर्ड फ्लू क्या है। बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है, जिसे H5N1 भी कहा जाता है। बर्ड फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन की तरह है, जो ना सिर्फ पक्षियों बल्कि दूसरे अन्य जानवरों और इंसानों के लिए भी उतना ही खतरनाक है। बर्ड फ्लू से संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने वाले जानवर और इंसान इससे आसानी से संक्रमित हो जाते हैं। ये वायरस इतना खतरनाक होता है कि इससे मौत भी हो सकती है। बर्ड फ्लू कई तरह के होते हैं, लेकिन H5N1 पहला ऐसा एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है जो इंसानों को संक्रमित करता है। इन्फ्लुएंजा के 11 वायरस हैं जो इंसानों को संक्रमित कर सकते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 5 ऐसे वायरस हैं जो इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। ये वायरस है H5N1, H7N3, H7N7, H7N9 और H9N2। बर्ड फ्लू के लक्षण क्या होते हैं? पक्षियों में यह आमतौर पर आंतों को संक्रमित करता है, वहीं एवियन इन्फ्लुएंजा मनुष्य के श्वसन पथ पर हमला करता है और इससे श्वसन संबंधी गंभीर बीमारियां जैसे कि निमोनिया या एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकती है। इसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में खराश और कभी कभी पेट दर्द शामिल है। बर्ड फ्लू कैसे फैलता है? जंगली जलीय पक्षी जैसे बतख और गीज इन्फ्लुएंजा ए वायरस के प्राकृतिक भंडार हैं और इन वायरस की पारिस्थितिकी में केंद्रीय स्थान रखते हैं। कई पक्षी बीमारी को विकसित किए बिना ही फ्लू फैलाते हैं। पानी के पक्षियों से, जिनमें से कई लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, उनसे वायरस मुर्गी और स्थलीय पक्षियों में फैलते हैं। कभी कभी वायरस सुअरों, घोड़ों, बिल्लियों और कुत्तों जैसे स्तनधारियों में आ जाता है। बर्ड फ्लू कब और कैसे इंसानों को संक्रमित करने लगा? बर्ड फ्लू का प्रकोप दुनिया भर के मुर्गों को दशकों से प्रभावित कर रहा है और संक्रमित पक्षियों को पालना प्रसार को रोकने के लिए एक सामान्य उपाय है। इसका पहला मामला साल 1997 में हांगकांग में आया था। उस समय बर्ड फ्लू का प्रकोप को पोल्ट्री फार्म में संक्रमित मुर्गियों से जोड़ा गया था। उस समय बर्ड फ्लू के प्रकोप को पोल्ट्री फार्म में संक्रमित मुर्गियों से जोड़ा गया था, लेकिन यह वायरस का H5N1 स्ट्रेन था और 18 संक्रमित मनुष्यों में से 10 की बीमारी से मृत्यु हो गई थी। इसके कुछ वर्षों बाद दुनिया के विभिन्न हिस्सों में यह फिर से उभरा और सैकड़ों मानव मौतें हुई, विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया में। संक्रमित मुर्गों और प्रवासी पक्षियों की आवाजाही एवं अवैध पक्षी व्यापार को इसके फैलने का कारण माना जाता है। कुछ स्तनधारी जैसे बिल्ली और शेर भी इस समय संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद वायरस के कई अन्य स्ट्रेन्स जैसे H5N2 और H9N2 जानवरों से मनुष्य में फैल गए। इस प्रकार यह वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चिंता का कारण बन गया। क्या यह बीमारी मनुष्यों में आसानी से फैल सकती है? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। आमतौर पर संक्रमित जीवित या मृत पक्षियों के निकट संपर्क में आने वाले लोगों में
H5N1 बर्ड फ्लू का संक्रमण देखा गया है और यह आमतौर पर WHO के अनुसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है और ना ही इसके कोई सबूत मिले हैं। WHO के अनुसार यह कम पके हुए भोजन से फैल सकता है। यह वायरस गर्मी के प्रति संवेदनशील है और खाना पकाने के तापमान में मर जाता है। अगर यह वायरस मनुष्य से मनुष्य में नहीं फैलता है तो फिर इससे डर क्यों है? H5N1 गंभीर और जानलेवा है। मनुष्यों में 10 में से 6 मामलों में इसमें मौत के मामले सामने आ चुके हैं। यदि वायरस उत्परिवर्तित हो जाता है और व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से स्थानांतरित हो जाता है तो यह संभावित रूप से एक महामारी का कारण बन सकता है। इसके अलावा फ्लू वायरस उत्परिवर्तन के लिए अधिक प्रवण होते हैं क्योंकि उनमें एक खंडित जीनोम होता है। मौसमी फ्लू और महामारी फ्लू सहित फ्लू के सभी ज्ञात तनाव इस तरह से पक्षियों से मनुष्यों में आ सकते हैं। बर्ड फ्लू के उपचार क्या हो सकते हैं? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एंटीवायरल ड्रग्स विशेष रूप से ओसेटामिविर मनुष्य में जीवित रहने की संभावनाओं में सुधार करते हैं। मंत्रालय पोल्ट्री के साथ काम करने वाले लोगों को PPE का उपयोग करने और हाथों की स्वच्छता का पालन करने की सलाह देता है। अमेरिका में FDA ने 2007 में H5N1 वायरस के लिए एक टीके को मंजूरी भी दी है। अब देखेंगे आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, वर्ल्ड फ्लू से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, वर्ल्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। कथन दो, यह सिर्फ पक्षियों के लिए खतरनाक है। उपरोक्त में असत्य कथन है। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प डी। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।